दोस्तों, अगर आप दिल्ली आए हुए हैं तो दिल्ली से गुरुग्राम जाना है तो किस तरीके से आप न्यू दिल्ली से मेट्रो लेकर के गुरुग्राम जा सकते हैं, जिसके लिए आप पैसे भी बचेंगे और जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। तो मेट्रो लेने के लिए हम बाहर निकलेंगे और 16 नंबर प्लेटफॉर्म से अजमेरी गेट होते हुए और मेट्रो आपको सामने दिख जाएगा। और मेट्रो लेने के लिए हम इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आप या तो आप टिकट भी कटवा सकते हैं या अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड से भी जा सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग लगेज चेक करवाएंगे और लगेज चेक करवाने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हमें टिकट काउंटर से टिकट भी लेना होगा। गुरुग्राम येलो लाइन पे है इसलिए हम लोग येलो लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे। ये आपको पाँव वाले निशान देखते हैं, ये येलो लाइन की तरफ जाएगी और इसी को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे कुछ समय के बाद देखेंगे कि हमें टिकट काउंटर भी दिख जाएगा और हमें टिकट काउंटर पर टिकट कटवा लेना है। वो टिकट का दाम गुरुग्राम की ओर जाने के लिए मात्र 50 रुपये लगेंगे और यहाँ से हम लोग को टिकट मिल जाता है। ये देख लिया, 50 रुपये लगे हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे मिलेनियम सिटी की ओर, क्योंकि मिलेनियम सिटी की तरफ ही 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हम लोगों को मेट्रो मिल जाएगी। और यहाँ से मेट्रो मिलने के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे गुरुग्राम की ओर और हम लोग अपना टिकट को स्कैन करके अंदर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। अंदर की ओर प्रवेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि सामने लिखा हुआ है मिलेनियम सिटी की ओर जाने के लिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाए। तो आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर चले जाएंगे और कुछ देर यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद आपको मेट्रो आ जाएगी और मेट्रो का आने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद एक मेट्रो आती ही आती है, हर 2 मिनट के पे आती रहेगी और थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कुछ दिन मेट्रो के लिए इंतज़ार कर लेते हैं और कुछ समय बीतने के बाद मेट्रो आ भी जाती है। आप देख सकते हैं कि मेट्रो आ चुकी है और इसमें कुछ काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि मैं इवनिंग के टाइम इस मेट्रो पे चढ़ा हूँ, इसलिए क्योंकि इस समय ऑफिस आवर से सभी लोग निकलते हैं क्योंकि छुट्टी का समय होता है और सब लोग अपने घर की ओर जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको भीड़ भी दिख रहा होगा, भीड़ कुछ काफ़ी ही है, लेकिन फिर भी इस भीड़ निकलने के बाद मैं भी यहाँ पर चढ़ जाता हूँ। और चढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैसा इसमें भीड़ है। भीड़ तो आपको दिखेगा ही इवनिंग के समय, अब जब भी ट्रैवल करेंगे तो इतना ही भीड़ दिखेगा, लेकिन हमें क्या भीड़ से मतलब है, क्योंकि हमें तो जाना है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हमारी मेट्रो चल देती है यहाँ से और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद हम गुरुग्राम भी पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये येलो लाइन पर, इसलिए आपको सिर्फ सारा ही येलो येलो ही दिखेगा।